चलें जी, अब टुडेज टॉपिक इज द टेलेंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन हमने देखना है कि इसके अंदर एक तो दो लेटरल आउट पॉकेटिंग्स होंगी जिसे हम कह रहे होंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में एक हमारे पास सेपरेटिंग पॉइंट होगा जिसे हम कह रहे होंगे लेमिना टर्मिनालिस। ये दो बातें याद रखो। उसके बाद जो कैविटी ऑफ द टेलेंसेफ्लॉन होगी वो हमारे पास कैविटी ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होंगी वो लेटरल वेंट्रिकल हुक बना देंगी, और जो कैविटी ऑफ द डेंसेफ्लॉन था वो हमें पता था कि वो थर्ड वेंट्रिकल बना रही हैं। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी इंट्रोवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो के थ्रू, इंट्रोवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो के थ्रू। बस ये याद रखना है, इसके अंदर टेलेंसेफ्लॉन के अंदर हमारे पास दो जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर होंगे, दोनों आपस में सेपरेट हो रहे होंगे बाय द लेमिना टर्मिनालिस के थ्रू, लेमिना टर्मिनालिस के थ्रू। बाकी जो चीज़ें मैंने बता दी कि वो इंट्रोवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू आपस में कंटिन्यू हो रही होंगी, ज्वाइन हो रही होंगी लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमने देख लिया। सेरेब्रल हेमिस्फीयर किस तरीके से बनेगा, अराइज एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ वीक के अंदर होगा फ्रॉम द लेटरल वॉल्स ऑफ द प्रोसेंसेफ्लॉन से एट द एज अ बायलेटरल इवेजिनेशन। अगर हमारे पास ये हमने देख लिया कि ये प्रोसेंसेफ्लॉन है, प्रोसेंसेफ्लॉन की जो लेटरल वॉल है, इस लेटरल वॉल से, ये भी लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल से हमारे पास बायलेटरल इवेजिनेशन होंगी फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, तो और हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखा जब हम इसको ट्रांसवर्सली देखेंगे तो हमारे पास ये स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस नजर आ रहा होगा इस तरीके से, जो बिल्कुल इसका एक्टिव प्रोलिफरेटिंग एरिया जो होगा ना वो हमारे पास स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस नजर आ रहा होगा, इसे हम कॉर्पस स्ट्राइटम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वो रीजन जहाँ पे वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर जो होगा वो डेंसेफ्लॉन के रूफ के साथ अटैच हो रहा होगा ना, वहाँ पे हमारे पास न्यूरोब्लास्ट नहीं बने होंगे, वो एरिया बिल्कुल ही थिन होगा हमारे पास, ठीक है। तो उस एरिया के अंदर हमारे पास सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ द एपेंडाइमल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स और पायामेटर ने उसको कवर किया होगा। इसे हम कह रहे होंगे टीला कोराइडा जो है हमारे पास कोराइड प्लेक्सिस बनाएंगे लेटरल वेंट्रिकल का। ये कोराइड प्लेक्सिस जो है लेटरल वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा बाय पियर्सिंग द कोराइडल फीजर, ठीक है। कोराइडल फीजर से ऊपर अगर हम देखते हैं, इमीजिएटली अबव देखते हैं, तो हमारे पास एक एरिया जो है वो हमारे पास हिप्पोकैंपस बना लेगा। हिप्पोकैंपस जो है ऑल्फेक्शन से रिलेट कर रहा होता है, ऑल्फेक्शन से रिलेटेड होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका ऑल्फेक्शन ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यही जो कॉर्पस स्ट्राइटम से अच्छा ये कोराइडल फीचर से, ठीक है, लीव अच्छा ये फर्दर एक्सपेंशन जब हमारे पास होगी हेमिस्फीयर की, तो ऑब्वियसली वो लेटरल पार्ट ऑफ द, अब देखो यहाँ पे अगर पड़ा हुआ है हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर वगैरह, तो इस साइड पे हमारे डेंसेफ्लॉन होगा, इधर हमारे पास मेसेंसेफ्लॉन, इधर मेटेंसेफ्लॉन होगा, तो ये इन सब चीज़ों के मतलब लेटरल वॉल्स को जो है कवर कर रहा होगा, लेटरल एस्पेक्ट को कवर कर रहा होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर डेंसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन और मेसेंसेफ्लॉन की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक पूरा पूरा हमारे पास एक एरिया पड़ा होता है जिसे हम कॉर्पस ट्राइटम कहते हैं। इस पूरे एरिया को हम कॉर्पस ट्राइटम कहते हैं, ठीक है। कॉर्पस ट्राइटम को डिवाइड कर रहा होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से, कुछ हमारे पास नर्व फाइबर्स होते हैं, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हमारे पास इंटरनल कैप्सूल होता है, ये कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जिसे हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। ये देखें, ये इंटरनल कैप्सूल जो है इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड करेंगे, पूरा कॉर्पस ट्राइटम था लेकिन इस पार्ट को हम अभी कॉर्डेट न्यूक्लियस और इस पार्ट को हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एट द सेम टाइम जब हमारे पास ये इंटरनल कैप्सूल जो जब इन दो के अंदर डिवाइड कर रहा था कॉर्पस ट्राइटम को, तो हमारे पास जो लेटरल वॉल ऑफ द डेंसेफ्लॉन होगी वो फ्यूज हो जाएगी कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ। लेटरल वॉल ऑफ द डेंसेफ्लॉन, ये हमारे पास डेंसेफ्लॉन इधर पड़ा होगा दरमियान के अंदर, डेंसेफ्लॉन जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ हमारे पास बिल्कुल ही फ्यूज हो जाएगा, और हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस जो है वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। इधर देखें, एट द सेम टाइम मीडियल वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर, मैंने कोई गलती की, उधर देखिएगा कि मीडियल वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर जो होगी वो हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ द डेंसेफ्लॉन के साथ फ्यूज होगी, कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस एक दूसरे के करीब आ जाएगा। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये थैलेमस है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे कब, अगर जब हमारे पास मीडियल वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर जो है लेटरल वॉल ऑफ द डेंसेफ्लॉन के साथ, ये देखें ना, ये मीडियल वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हमारे पास डेंसेफ्लॉन पड़ा होगा, डेंसेफ्लॉन की जो लेटरल वॉल होगी वो और मीडियल वॉल हेमिस्फीयर की जब आपस में एक दूसरे के करीब आएंगी, तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाएगा इनका। उसके बाद हमने देखा कि कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही होगी हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, जब हमारे पास ये कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा होगा तो एंटीरियर डायरेक्शन के अंदर, पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर, इन्फीरियर डायरेक्शन के अंदर करेगा, और फ्रंटल टेम्पोरल और हमारे पास ऑसिपिटल बोन्स बन जाएंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जब हमारे पास ग्रोथ हमारे पास कंटिन्यू है, तो लेकिन कॉर्पस ट्राइटम के ऊपर रीजन के अंदर जो ग्रोथ होगी वो हमारे पास स्लो होगी। अब उस स्लो ग्रोथ की वजह से क्या होगा, बिटवीन द टेम्पोरल और फ्रंटल बोन के दरमियान में एक रीजन होगा जिसे हम इंसुला कहेंगे, जो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड एरिया होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास ये जो सराउंडिंग उसकी जो बोन्स होंगी ना, बोनी एरियाज होंगे, उनकी ग्रोथ की वजह से वो हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा जो इंसुला वाला एरिया था। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ ने ये भी देखा, फिटल लाइफ के अंदर हमने ये भी देखा कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके अंदर गायरस और सेल्कस वगैरह, फिशर्स वगैरह बन गए होते हैं, ठीक है, फिशर्स जो होते हैं वो सेपरेट कर रहे होते हैं सेल्कस वगैरह को।